उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के कड़े निर्देशन में थाना सिकोहाबाद पुलिस एसओजी टीम और संयुक्त पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए 3 सातिर लुटेरों को अवैध असलाह, चोरी की मोटरसाइकिल और लूट का माल सहित गिरफ्तार किया गया है। आज एसपी सिटी कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने बताया कि जनपद में 7 लुटेरों के संबंध में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज बदमाशों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्र अधिकारी सिकोहाबाद के कुशल नेतृत्व में थाना सिकोहाबाद पुलिस एसओजी और सर्विलांस की टीम के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम इस्लाम, सद्दाम और शाहरुख निवासी 12 बीघा अब्बास नगर थाना रामगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 2 तमंचा, 315 बोर के 4 जिंदा कारतूस, 315 बोर के तथा लूट का माल, 1 पीली धातु की जंजीर एवं मंगलसूत्र और चोरी की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस बिना नंबर की बरामद की है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि यह 3 सातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके खिलाफ कई थानों में कई मुकदमे पंजीकृत हैं। पकड़ने वाली टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार देकर पुलिस की टीम की हौसला अफजाई की गई है। इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। इस मौके पर एसपी सिटी मुकेश कुमार मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक देहात अखिलेश नारायण सिंह व पुलिस बल मौजूद रहा। जो लूट की घटना थी उसका अनावरण किया जा रहा है और ये आज जो हमारी लास्ट पेंडिंग लूट है उसका अनावरण हम कर रहे हैं। थाना सिकोहाबाद में ये नोट किया गया था कि जो सिकोहाबाद, नसीरपुर ये सब एरिया के अंदर में गैंग एक्टिव है, जो मोटरसाइकिल पे महिलाएं यदि जाती थी पुरुष के साथ में तो उनका पीछा करके सुनसान एरिया में गाँव के पास में कहीं पर वहाँ पर उनका जो जेवर वगैरह था वो उतरवा लेते थे और उनको लूट लेते थे। तो ये जो घटना है इसका आज अनावरण किया गया है। इसमें 3 अभियुक्त हैं, इस्लाम, सद्दाम और शाहरुख। ये तीनों का जो है वो गिरफ्तारी इनकी हुई है, प्रकाश में आए, इनसे बरामद भी हुआ है, जो लूट का सामान है वो बरामद हुआ है। इसके अलावा 2 अदद तमंचे, 315 बोर के, 4 अदद जिंदा कारतूस और हीरो होंडा जो स्प्लेंडर है वो भी बरामद हुई है। इसमें जो विवरण इन्होंने यही बताया है कि हम लोगों की जो मॉडस ऑपरेंडी थी वो यही होती है कि जो आमरी पुलिया के पास में हम लोग लगातार घूमते रहते थे और इस तरह के जो हमारे जो निकलते थे लोग उनको हम शिकार बनाते थे। तो इसमें हमारी एसओजी टीम और सिकोहाबाद की जो टीम थी इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और इन जो अभियुक्त हैं इनका लंबा आपराधिक इतिहास भी है। 11 मुकदमे इस्लाम के ऊपर में हैं, सद्दाम के ऊपर में 12 मुकदमे हैं और इसमें जो गिरफ्तार करने वाली टीम है उसको मेरी तरफ से 20,000 रुपये का रिवार्ड दिया। सर, गिरोह में कितने 3 लोग हैं कि इसके अलावा और भी लोग हैं इसमें? इसमें अभी तक 3 लोग प्रकाश में आए हैं, इंटरोगेशन की जा रही है। इसमें और भी लोगों के यदि नाम आते हैं तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें गैंगस्टर की भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और ये जो अभियुक्त हैं इन अभियुक्तों की TI परेड भी होगी। थैंक यू सर। देखते रहिए TV भारती समाचार, नजर हर खबर पर।